जिला फिरोजपुर के ऐतिहासिक गुरुद्वारा सारागढ़ी में शहीदों की वर्सी पंजाब सरकार की तरफ से राज्य स्तरीय समागम के तौर पर मनाई गई। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के लंदन में होने के चलते इस समागम का नेतृत्व पंजाब के वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल मुख्य मेहमान के तौर पर की कैबिनेट मंत्री सरदार नवजोत सिंह सिद्धू, सरदार साधु सिंह धर्मसोत और बड़ी संख्या में विधायकों ने सारागढ़ी के शहीदों को श्रद्धांजलि भेंट की। उन्होंने कहा कि सारागढ़ी की लड़ाई में सिख रेजिमेंट के 21 शूरवीरों ने जिस बहादुरी के साथ 10,000 लुटेरों का मुकाबला किया, इसकी मिसाल पूरी दुनिया में नहीं मिलती, जिनको इस बहादुरी के बदले सर्वोत्तम जंगी इनाम इंडियन ऑर्डर ऑफ मेरिट दिया गया था। फिरोजपुर से सुखचैन की खास रिपोर्ट। 120वीं शहीदी समागम जड़ा अज सारागढ़ी के महान शहीदों अर्पित किया उन्होंने और स्टेट लैवल का फंक्शन किया है, ये अपने आप एक इतिहास है। और सच पुछो तो यह जे प्रेरणा के स्रोत अज साड़ी जिहड़ी नौजवान पीढ़ी को चाहिए, उन्होंने ये समझना चाहिए कि पंजाब को सिरजन के लिए जिहड़ी शील्ड है असी पूरे देश की रखवाली की है, असी ग्रीन रेवोल्यूशन दिती है, असी अन्नदाता बन के इस देश का पेट भरिया और इस देश ने पंजाबी सूबे ने बलिदान के नाल हिंदुस्तान को सिरजे, भावें वह परमवीर चक्कर होन, भावें बलिदान हो, और बलिदान समा नहीं देखता, समय के मत्थे ते अंकित हो जाता, नदी कदे जल नहीं मंगती, पेड़ कदे फल नहीं खाता, एवरी सैल्फलैस एक्ट मेक्स अ वे फॉर इट सैल्फ। अज अगर असी पंजाब नू संवारना तो इन वल वेखना पऊगा। और अज उन्हां बहादुर हिंदुस्तानी फौजियों नू असी अपनी खराजे ते सीन पेश करन वास्ते आए हैं। और 120 साल भी जिहड़े किसे उर्दू दे कवि ने लिखिया है कि सदियों तक अहले वतन तुम्हें याद करेंगे, खाके वतन जो तुझ पे कुर्बान हुए। जिहड़ियां कौमां ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅੱਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲਦਿਆਂ ਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੁਤਾਲਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ 7-8 ਜੰਗਾਂ ਐਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿੱਥੇ ਜੰਗਾਂ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੀ ਸੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ 10,000 ਦੀ ਫੌਜ ਸੀ, 7-8 ਐਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਠਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾਗੜੀ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਤੇ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰ ਲਈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਫਰੀਦੀਆਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਸੀ ਉਹ ਹਵਲਦਾਰ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਚੌਂਕੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੁਲਾਇਆ, ਚਿੱਟਾ ਝੰਡਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ, ਤੇ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨਾਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਤੇ ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ ਕਸਮ ਖਾਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਲੌਟ ਜਾਓ, ਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹੱਦ ਤੇ ਖੜੇ ਹੈ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ, ਹਥਿਆਰ ਛੱਡ ਜਾਓ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਵਾਪਸ ਜਾਓ। ਤੇ ਬੜੇ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸ ਪਠਾਨ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਥੁੱਕਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾਗੜੀ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦਾ ਨਮਕ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਾਗੜੀ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਮਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।